हेलो डियर स्टूडेंट, चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक नई प्रैक्टिस सीरीज लेकर। इसमें हमने क्वेश्चन लिए हैं ब्लड रिलेशन, डाटा सफिशियंसी, एज रिलेटेड और रैंकिंग जैसे चैप्टर्स हैं जिनमें बच्चों को बहुत ज़्यादा समस्याएँ आती हैं। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होंगे। ठीक है, अब देखते हैं। जैसे पहला जो क्वेश्चन है ना, ये जो है कौन से कथन निम्न प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ये रेलवे एएलपी 2018 का पेपर है। ठीक है, 2018 के पेपर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है डाटा सफिशियंसी का, जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं करने में। बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता इसमें करना क्या होता है, बस उन्हें ये नहीं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कथन सही है कौन सा गलत। तो देखो, इसको एक एक चीज बताई जाएगी, लास्ट तक वीडियो में लगे रहना, लास्ट तक पूरी वीडियो देखना, आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें। ठीक है, तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है, ये क्वेश्चन हमसे पूछ लिया। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है। तो कथन पहला है, भावना की मां राज्यम है, यानी हमें ये बताना है बच्चों, इसमें हमें बताना क्या होता है। असल में हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये आपका यूपी के एग्जाम में, रेलवे में, बैंकिंग में, लगभग सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं डाटा सफिशियंसी, और इसकी एक विशेषता ये होती है कि रीजनिंग के किसी भी चैप्टर से ये सवाल आ सकता है, यानी जब सारे चैप्टर जाते हैं तब ये वाला चैप्टर शुरू किया जाता है डाटा सफिशिएंसी, क्योंकि इसमें किसी भी चैप्टर से सवाल आ सकता है। जैसे अब हमसे इसमें ब्लड रिलेशन से संबंधित सवाल आ गया, लेकिन हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि इसका आंसर क्या है, कि आंसर मौसी आया या बुआ आया, इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा। इसमें हमसे ये पूछा जाएगा कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया उसका आंसर देने के लिए कौन सा डाटा जो है वो पर्याप्त है, पहला डाटा पर्याप्त है या सेकंड, और नीचे ऑप्शन होंगे, केवल फर्स्ट पर्याप्त है, अकेला सेकंड नहीं, ना तो फर्स्ट ना सेकंड, इस तरीके से हमें आंसर देने होंगे। ठीक है, ये कौन से क्वेश्चन से कौन सा डाटा, कौन से क्वेश्चन से कौन सा सॉल्यूशन हो सकता है, पहले वाले से हो सकता है या सेकंड वाले से हो सकता है, ये बताना है। तो देखो, भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है, तो सबसे पहले हम पहला वाला चेक करते हैं कि भावना जो है वो सतीश से किस प्रकार संबंधित है। तो देखो बच्चों, इसमें क्या करना होता है, जैसे पहला कथन जब हम पढ़ते हैं तो हमें दूसरे वाले से कोई मतलब नहीं है, और जब दूसरा पढ़ते हैं तो पहले वाले से कोई मतलब नहीं है। जैसे पहला कथन पढ़ो, भावना की माँ राज्यम है, पहले कथन में हमें यह पता चला कि भावना की जो माँ है उसका नाम है, भावना की जो माँ है वो क्या है, राज्यम। ठीक है, तो देखो भावना की माँ राज्यम है, तो राज्यम देखो ऊपर आएगी क्योंकि उसकी माँ है, और भावना नीचे, भावना की माँ कौन हो गई, राज्यम। ठीक है, भावना की मां राज्य में, लेकिन हमें संबंध किसका बताना था बच्चों, भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है, यही तो बताना है संबंध। लेकिन अब बताओ, पहले कथन में सतीश का कोई जिक्र है, जब यही नहीं पता कि सतीश है कौन, तो हम इसका आंसर केवल कथन फर्स्ट से दे सकते हैं, केवल कथन फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी पहले वाले से उत्तर नहीं आ रहा। जब पहले वाले से नहीं आ रहा उत्तर, तो सेकंड वाले से चेक करोगे, जब सेकंड वाली जानकारी जब चेक करोगे तुम, तो फर्स्ट वाले से कोई मतलब नहीं होगा, और जब फर्स्ट वाला चेक करोगे तो सेकंड वाले से कोई मतलब नहीं होगा, यानी आपको इंडिविजुअल अलग अलग चेक करना है। पहला देखो, दूसरा, राज्यम का पुत्र सतीश है, एक राज्यम जो है ना, राज्यम का जो पुत्र है वो कौन है, सतीश, राज्यम के पुत्र का नाम है सतीश। अब केवल अगर सेकंड सेकंड देखें, हम फर्स्ट को बिल्कुल देखे ही ना, तो केवल सेकंड सेकंड देखें तो उससे हमें एक बात पता चल गई, उससे हमें एक बात क्या पता चल गई कि राज्यम का पुत्र तो है सतीश, लेकिन सेकंड वाले में यह पता नहीं चला कि भावना कौन है, कि भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है। यानी पहले वाले से आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि पहले वाले में सतीश नहीं है, दूसरे वाले से आंसर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि दूसरे वाले में भावना नहीं है। तो ना तो अकेला फर्स्ट उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, और ना तो अकेला सेकंड। तो जब दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं होते हैं, तो फिर दोनों का डाटा मिलाकर चेक करते हैं। ठीक है, अब दोनों का डाटा, पहले अकेले एक से करोगे, फिर दूसरे से, जब दोनों का नहीं आएगा तो दोनों की जानकारी को मिला दोगे। यहां पर मैं दोनों की जानकारी मिला रहा हूं, दोनों कथन की। तो पहली जानकारी में बच्चों हमें यह बताया गया कि भावना की मां राज्यम है, भावना की जो मां है ना वो कौन है, राज्यम, भावना की मां राज्यम है, पहले में हमें यह बता दिया गया कि भावना की मां राज्यम है। अब दूसरे में हमें यह बताया गया कि राज्यम का जो पुत्र है वो कौन है, सतीश। तो राज्यम का जब पुत्र सतीश है, तो राज्यम की पुत्री तो भावना है ना, तो राज्यम का पुत्र भी सतीश है, तो सतीश इसके बराबर में ही तो जुड़ेगा। तो बताओ, जब भावना की मां भी राज्यम है और सतीश की मां भी राज्यम है, तो बताओ भावना सतीश की कौन होगी, बहन।
भावना सतीश की कौन होगी? बहन। यानी आंसर ना पहले वाले से आ रहा था ना दूसरे वाले से, लेकिन अगर दोनों की जानकारी को जब हमने ऐड कर दिया तो आंसर आ गया क्या? बहन। सतीश की बहन है भावना, ठीक है। और यही हमसे पूछा है, भावना सतीश से किस प्रकार संबंधित है। तो बहन हमें किस किस की जानकारी मिलकर प्राप्त हुआ? फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड की जानकारी से हमें यह पता चल गया कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखो, केवल फर्स्ट पर्याप्त है, जबकि अकेला सेकंड नहीं। केवल फर्स्ट से नहीं आया उत्तर, पहला गलत। ना तो फर्स्ट ना सेकंड, ये भी नहीं लगाओगे। केवल सेकंड पर्याप्त है, नहीं, फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर पर्याप्त हैं। फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो दोनों मिलकर पर्याप्त है, इस तरीके से ऑप्शन लिखा हुआ आता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलकर क्या हैं? पर्याप्त। बात समझ में आ गई? तो केवल आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी। क्योंकि ये नहीं हो सकता केवल सेकंड पर्याप्त है, ये भी नहीं हो सकता केवल फर्स्ट पर्याप्त है, और ना तुम ये वाला लगाओगे ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड पर्याप्त है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसे अगर दिया होता कि ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड स्वतंत्र रूप से पर्याप्त है, तो एक बार को आप लगा सकते थे, लेकिन यहां पर दोनों मिलकर उत्तर देने के लिए क्या है? पर्याप्त। बात समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नीचे पासे की चार स्थितियां दी गई हैं, कौन सा अक्षर डी के सामने होगा? बच्चों ये है पासे का सवाल। तो बच्चे कई सारे पासे देखकर कभी कभी घबरा जाते हैं कि हम अगर दो पासे होते तो कर लेते सॉल्यूशन, या एक पासा होता तो कर लेते सॉल्यूशन, लेकिन यहां पर कितने पासे हैं? चार। तो बच्चों कितने भी पासे हों, ये भी एसएससी सीजीएल का आया हुआ सवाल है 2013 में। तो देखो कितने भी पासे दिए हों, आपको तो केवल दो ही पासों से मतलब होता है। बच्चों दो पासों से कैसे मतलब होता है? या तो आप ऐसे दो पासे चुन लो जिनकी एक सरफेस कॉमन हो, एक सतह कॉमन हो, या फिर ऐसे पासे चुन लो जिनकी दोनों सतह कॉमन हो। जैसे अगर हम देखें तो इन दोनों में कितनी सतह कॉमन है? दो। तो सी ए सी ए, सी ए से सी ए कैंसिल कर दो, बी के अपोजिट क्या आ गया? ई। बी का अपोजिट क्या आ गया? ई। लेकिन हमसे तो ये पूछा है डी के अपोजिट क्या होगा, डी के अपोजिट क्या होगा। तो देखो अगर इन दोनों में देखो तो सी ई सी ई दोनों में है, सी ई से सी ई कैंसिल, ए के अपोजिट क्या आ गया? डी। तो डी के अपोजिट क्या आ जाएगा बच्चों? ए, ऑप्शन बी। डी के अपोजिट क्या आ जाएगा? ए, ठीक है। या फिर कोई से दो पासे ऐसे उठा लो जिनकी एक सतह कॉमन हो, जिनके कितनी सतह कॉमन हो? एक। जैसे पहले में और तीसरे में कितनी सतह कॉमन है? एक ही कॉमन है ना, सी सी। फर्स्ट और तीसरे में एक ही सतह कॉमन है, तो क्लॉकवाइज घुमा दो, सी वी ए, ठीक है। उसमें भी घुमा दो, सी ई डी। देखो सी E, D, क्लॉकवाइज घूमोगे तो ऐसे तो घूमोगे, C, B, A। तो जो जिसके नीचे आ गया वो उसका अपोजिट, A का अपोजिट D, B का अपोजिट E, ठीक है। C का अपोजिट जो बचा, बचा क्या? F। तो इस तरीके से अपोजिट निकाल दिया हमने। तो हमसे ये पूछा बच्चों D के अपोजिट क्या होगा, तो D के अपोजिट क्या होगा बताओ? D के अपोजिट सिंपल सी बात है क्या होगा? A। D के अपोजिट क्या होगा? A। तो इसका आंसर हो गया बच्चों A, ऑप्शन B। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, ठीक है। तो वीडियो में बने रहना लास्ट तक, देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा मिसिंग नंबर से, ठीक है। और ये भी एसएससी एमटीएस में आया हुआ सवाल है। इसमें हमें क्या करना होता है बच्चों? इन नंबर से हमें ये वाला नंबर लाना है, इन नंबर से ये वाला लाना है, और इन वालों से कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो देखो देखो ये है 50 और ये है 31, ठीक है। तो देखो इन दोनों से हमें 9 लेके आना है। तो देखो 9 से ये कटती हैं संख्याएं? नहीं कटती। अगर हम देखें तो ये, अगर हम ऐड करके इसको देखें, देखो ये वाला जो है इसको अगर हम 50 प्लस 31 करें तो कितना आ गया? 81। और 81 जो होता है वो कितने का स्क्वायर होता है बच्चों? 9 का, ठीक है। इसका मतलब अब ये नहीं है कि इसके बाद डायरेक्ट तुम ये वाला कर दो, पहले आप इसको समझेंगे। अगर इसमें भी वही लॉजिक चल रहा है तो उसका वो ऐसे करेंगे, दोनों में चेक करना है लॉजिक, ठीक है। अब दूसरे का चेक कर लो भाई, ये 42 और ये 21। अब देखो यहां पर कितना आ गया? 63। अब 63 तो किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो यहां पर हमारी कहानी फेल हो गई, ठीक है। यानी जो लॉजिक हम लगा रहे थे वो पहले में तो लग रही है, लेकिन वो थर्ड सेकंड वाले में नहीं लग रहा वो लॉजिक, ठीक है। तो हमें लॉजिक चेंज करना होगा क्या? जैसे इनको जोड़कर 81 आया, इनको जोड़कर कितना आ गया? 81। और 81 को अगर 9 से डिवाइड करोगे तो 9 एम 81, यहां पर कितना आ गया? 9। ऐसी यहां पर देखो 42 और 21 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आ गया? 63। और 63 को डिवाइड बाई 9 करोगे तो 7। यानी हम जो सोच रहे थे वो बर्गुल सोच रहे थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है बच्चों? डिवाइड कितने से? 9 से। यहां पर 81 को 9 से डिवाइड करोगे, 9 नेम 81, 9 सत्ते 63। ऐसे इसमें कर दोगे बच्चों 43 प्लस 11 जोड़ दो, 3 और 1 4 54 हो गया। तो 9 छक्का 54, 9 से करना है डिवाइड, तो आंसर हो गया ऑप्शन ए 6।
बताओ समझ में आ गया, सबको जोड़कर कितने से डिवाइड करना है, 9 से। इस वाले में ये लॉजिक चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। अब देखो इसको, ये वाला क्वेश्चन भी एएलपी का आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो, पहले हम देखते हैं नंबर्स का, फिर देख लेंगे अल्फाबेट का। पहले हम देखते हैं नंबर्स का, फिर किसका देखेंगे, अल्फाबेट का। ये पहले अल्फाबेट देख लो, बाद में नंबर्स, बात एक ही है। जैसे 3 में कितना जुड़ा होगा भाई, 3 जुड़ा होगा। 6 से 11 हो गया, कितना ऐड हुआ होगा, 5 हुआ होगा। 11 से 18 हो गया, कितना ऐड हुआ है, 7। तो पहले 3 ऐड, फिर 5 ऐड, फिर 7 ऐड, तो अब की बार कितना ऐड हो जाएगा, 9। तो 18 और 9 कितने हो चुके हैं बच्चों, 27। यानी पहले नंबर पे तो आएगा 27। अब अगर तुम्हें यहीं से पता चल गया तो 27 तो भाई दो ऑप्शन में है, तो अभी पता नहीं चल गया ऑप्शन ए है या डी। इतना पता है कि ए या डी में से है कुछ आंसर। तो अक्षरों का और देख लो, ये देखो 7 वाला होता है, ये 8 वाला, ये 10 वाला, ये 13 वाला। तो इनमें भी देख लो कितने का गैप चला, +1 +2 +3। पहले 1 प्लस, फिर 2 प्लस, फिर 3। अब की बार कितना प्लस होगा बच्चों, 4। तो 4 अगर प्लस होगा 13 में तो 17 हो जाएगा, 13 में 4 प्लस होगा 17, और 17 पर क्या आता है बच्चों, क्यू। तो ये हमारा आंसर बन गया 27 क्यू, ठीक है। इसका आंसर बच्चों क्या हो गया, 27 क्यू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। बात समझ में आ गई। तो पहले हमने नंबरों का करके देखा कितने का गैप है, उसके बाद हमने अक्षरों का देखा कितने का गैप है, और उसके बाद हमें पता चल गया भाई आंसर इसका क्या आ गया, 27 क्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी के। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो ये है ब्लड रिलेशन से संबंधित। श्रीमान और श्री, श्रीमान और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो इस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं। तो देखो, एक तो है गोपाल और एक है गोपाल की कौन, पत्नी, ठीक है। देखो श्रीमान और श्रीमती गोपाल के 3 पुत्रियां हैं, इनकी कितनी पुत्रियां हैं, 3। फीमेल, फीमेल या डॉटर लिख दो, ठीक है। 3 पुत्रियां हैं यानी डॉटर, माइनस लगा दे रहा हूं, डॉटर डॉटर, ये 3 पुत्रियां हैं। अब कह रहे हैं प्रत्येक पुत्री का एक भाई है, तो प्रत्येक पुत्री का एक भाई भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबका भाई अलग अलग, एक ही भाई होगा इनका, इनका एक ब्रदर होगा बी, ठीक है। वो इनका भी भाई होगा, इस वाली लड़की का भी भाई होगा, इस वाली का भी भाई होगा, तीनों का एक एक भाई है। इसका मतलब बच्चे कर देते हैं, एक इसका भाई, एक इसका भाई, एक इसका भाई, ऐसे नहीं करना है, एक ही भाई होगा, उससे ये भी भाई कहेगी, ये भी भाई कहेगी, ये भी भाई कहेगी, यानी कुल मिला के कितने लोग हो गए, 4 तो ये बच्चे और 2 इनके माता पिता, यानी कुल हो गए बच्चों कितने लोग, 6 लोग, ठीक है। तो ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आंसर इसका हो गया बच्चों 6, ठीक है। आंसर कितना हो गया, 6, ठीक है, 6 आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया नंबर सीरीज का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, जैसे नंबर सीरीज जो चैप्टर है उसका ये रहता है कि उसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस की जाए उतने ही सवाल कर सकते हो, ठीक है। अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो बहुत सारे अच्छे लोगों से भी इसका आंसर नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला या ट्रिक नहीं होती है, इसको पहचानने के कुछ तरीके होते हैं। इसको पहचानने के बच्चों क्या तरीके होते हैं, कि अगर इस तरीके से नंबर घटते हुए जा रहे हैं तो समझ जाना कि माइनस हो रहा है, मतलब अगर हल्के हल्के घट रहे हैं तो माइनस हो रहा है, अगर तेजी से घट रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिवाइड। ऐसे ही अगर तेजी से बढ़ रहे हैं तो गुणा, और हल्के हल्के घट रहे हैं तो प्लस, ठीक है। तो अगर इधर से आप देखोगे तो क्या हो रहा होगा, डिवाइड, लेकिन अगर इधर से देखोगे तो मल्टीप्लाई। तो चाहे आप इधर से सॉल्व कर लो इसे, चाहे इधर से, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर से देखो, 7 × 2 = 14, 2 × 7 = कितना हो गया, 14 × 14 = 42, ठीक है। अब 2 से गुणा, 3 से गुणा, फिर 4 से गुणा हुई, फिर कितने से गुणा हुई, 5 से। तो देखो यहाँ पे 2 से, 3 से, 4 से, 5 में, तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा जिसकी गुणा 1 से करने पर 7 आ जाए। तो आप कहोगे सर 7 ही होगा फिर, तो ठीक है। तो देखो 7 की गुणा 1 से करी 7, ठीक है, 7 × 2 = 14, 14 × 3 = 42, 42 × 168, तो आंसर इसका बच्चों हो गया ऑप्शन सी, यानी कि 7 इसका आंसर हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से दसवां है और बी जो दाहिनी ओर से नवा है अपने स्थान बदल लेते हैं, ए बाईं ओर से पंद्रवा हो जाता है। तो बताइए उस समय उस पंक्ति में लड़कों की संख्या क्या है। तो देखो एसएससी सीजीएल में आया हुआ सवाल है ये भी बच्चों। देखो कैसे करते हैं, जब आप पेपर पे ये बना रहे हैं तो जिधर आपका बायां हाथ है वो है बायां सिरा पंक्ति का यानी कि लेफ्ट, और जिधर आपका दायां हाथ है वो है पंक्ति का दायां सिरा यानी कि राइट। ठीक है, लड़कों की एक पंक्ति में ए जो बाईं ओर से कौन सा है, दसवां। ए बाईं नंबर से कौन सा है बताओ, दस पे। और बी दाएं से कौन से नंबर पे है, नौ पर। ए बाएं से दस पर है और बी दाएं से कितने पर है, नौ पर। इन दोनों ने क्या करा, अपना स्थान बदल लिया। स्थान बदलने का मतलब समझते हो कि मेरी जगह तू आ जा और तेरी जगह मैं आ रहा हूं। तो यहां पर बी की जगह पर कौन आ गया, ए, और यहां पर कौन आ जाएगा, बी। इन्होंने आपस में स्थान चेंज कर लिया। स्थान चेंज करने पर क्या हुआ कि जो बी इधर से, जो ए कितना था 10, वो ए अब कितना हो गया, बी जो दाएं ए कितना हो गया 15, कितना हो गया 15। जो ए 10 था वो बाएं से अब कितना हो गया 15 हो गया, कितने नंबर बढ़ गया, 5 नंबर। ए बाएं से अब पहले तो था 10 बच्चों, अब कितना हो गया 15। तो हमसे पूछा है कि टोटल बताओ, तो टोटल हम जब ही बता सकते हैं जब एक व्यक्ति की स्थिति हमें दोनों तरफ से पता हो, लेफ्ट से भी और राइट से भी। तो देखो कैसे पता होगा, ए लेफ्ट से कितने नंबर पे आ गया है, अब 15 पर। ए लेफ्ट से कितने नंबर पे है, 15 पर। अब ए का लेफ्ट तो हमें पता चल गया, लेकिन अगर हमें ए का राइट और पता चल जाए तो हम टोटल बहुत आसानी से बता सकते हैं। देखो ए का राइट कैसे पता चलेगा, ए का लेफ्ट तो हमें पता चल गया, अब ए का राइट देखो, ए राइट कैसे पता चलेगा, ए राइट इधर से देखने पर पता चलेगा। जैसे बी कितना था पहले राइट से, 9, तो ए भी तो उसी जगह बैठा है, तो ए कितना होगा इधर से, 9। ठीक है, तो देखो जब ए इधर से 9 है और ये भी इधर से 15, तो देखो अब हमें दोनों तरफ से स्थिति पता चल गई ए की। ऊपर से कैसे पता चली, क्योंकि बी इधर से कितना था, 9, और बी की जगह ही कौन बैठा है, ए, तो ए भी इधर से कितना होगा, 9। ठीक है, तो ए की जब दोनों तरफ से स्थिति पता चल गई तो हमें पता चल गया भाई ए राइट से कितना है, 9। तो टोटल का तो एक ही कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, टोटल बराबर 15 प्लस 9 माइनस 1, 15 और 9 24, 24 में से एक गया 23, टोटल कितना आ गया बच्चों, 23, टोटल कितना आ गया, 23। बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन, टोटल 23 लगा दो आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे की 4 गुना है। अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का हो जाता है तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु क्या है। ये भी सीजीएल का आया हुआ सवाल है बच्चों। इसको किस तरीके से करते हैं आप समझ सकते हैं। जैसे एक आदमी अपनी पत्नी से कितने साल बड़ा है, 3 साल, और उसकी उम्र अपने बेटे की 4 गुना है। अगर बेटा 3 साल के बाद 15 साल का हो जाएगा तो बताओ 3 साल के बाद 15 का होगा तो वर्तमान में पुत्र कितने का होगा। जब 3 साल बाद 15 का हो जाएगा तो वर्तमान में तो बेटा 12 का होगा ना, वो वर्तमान में कितने का होगा, 12 का। और वर्तमान में जब वो 12 का होगा तो बताओ वर्तमान में तो है वो 12 का। ठीक है, तो पिता कितने गुना है अपने बेटे से, 4 गुना, 12 चौक 48 वर्तमान में। ठीक है, तो पिता की आयु कितनी हो गई, 48, और पत्नी जो है ना इसकी माता, ठीक है, पत्नी की जो आयु है वो पति से कितने साल कम है, 3 साल। तो जब पिता 48 का हो गया तो पत्नी कितने साल की हो गई, 48 माइनस 3 यानी कि 45 वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, तो देखो 3-4 लाइन में आपने ना एक्स मानने की जरूरत ना बाई, बस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है, तो इसे करने का आपका तरीका समझ में आ गया होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया, 45 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक घड़ी की घंटे की सुई और मिनट की सुई द्वारा दोपहर 3 बजे बने अंतर्विष्ट कोण का वृत्तमान क्या होगा। तो देखो बच्चों 3 बजे का मतलब होता है, जैसे अगर आप बिना फॉर्मूले के भी करो तो आप समझ सकते हो भाई 3 जो बजते हैं घड़ी में वो इस तरीके से बजते हैं, ऐसे ही तो बजते हैं 3, ऐसे ही दोपहर के 3 बजते हैं, ऐसे ही रात के 3 बजते हैं, इस घड़ी में एएम पीएम का कोई चक्कर नहीं होता है। तो बताओ इस घड़ी में ऐसे कितने डिग्री का कोण हो गया, ये 90 डिग्री।
कितने डिग्री का कोण हो गया 90 डिग्री। अब 90 डिग्री लेकिन पाई की फॉर्म में दिए हैं आंसर, तो पाई का मान कितना होता है 180, लेकिन हमें तो 90 करना है ना, तो हम इसको पाई बटे पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं, 180/2, तो इसका आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन डी पाई अपॉन 2, क्योंकि पाई अपॉन 2 का मतलब 90। 3 बजे कितने डिग्री का कोण होता है बच्चों 90 डिग्री का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं, आधी आदमी अपने घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं जबकि शेष आदमी घोड़ों के नेतृत्व करते हुए पैदल चल रहे हैं, यदि जमीन पर चल रहे पैरों की संख्या 70 है तो बताइए कि घोड़ों की संख्या कितनी है। ये भी आरआरबी चंडीगढ़ एएसएम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अब देखो, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में, जितने घोड़े हैं ना उतने ही क्या है आदमी, जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी है। तो देखो, घोड़े एक तरफ लिख लिया, घोड़े एक तरफ क्या लिख लिया आदमी। देखो घोड़े भी x हैं और आदमी भी x, अपनी तरफ से घोड़े भी x मान लिए और आदमी भी x। ठीक है, अब आधे आदमी घोड़ों की पीठ पे बैठे हैं, आधे आदमी का मतलब x बटे दो बच्चों घोड़ों की पीठ पे बैठ जाएंगे, तो x बटे दो अगर घोड़ों की पीठ पर बैठ जाएंगे तो पैदल कितने चलेंगे x बटे दो, पैदल x बटे दो ही तो बचेंगे। जब x बटे दो पीठ पर बैठ जाएंगे, यानी अगर 20 आदमी है 10 पीठ पर बैठ गए तो बचे कितने 10, अगर 10 आदमी है तो 5 पीठ पर बैठ गए तो बचे कितने 5, ऐसे ही x बटे दो आदमी पीठ पर बैठ जाएंगे तो बचेंगे कितने x बटे दो। ठीक है, अब देखो, x बटे दो आदमी पैदल चल रहे होंगे, x बटे दो आदमी पीठ पर बैठ गए, तो एक घोड़े के 4 पैर होते हैं, तो x घोड़ों के कितने हो गए 4x। अब मैदान में किस किस के पैर होंगे, एक तो उनके पैर होंगे टोटल घोड़ों के, एक होंगे आधे आदमियों के पैर, सब आदमियों के नहीं होंगे क्योंकि जो घोड़ों की पीठ पर बैठ गए उनके पैर मैदान में नहीं होंगे, उनके तो ऊपर होंगे मैदान से। ठीक है, लेकिन मैदान में आधे आदमियों के पैर होंगे, तो एक घोड़े के 4 पैर, तो x घोड़ों के 4x। ठीक है, अब एक आदमी के 2 पैर होते हैं, तो x बटे 2 आदमियों के 2 गुणा x बटे 2। ठीक है, बराबर इनकी संख्या कितनी है कुल मिला के, मैदान में चलते पैरों की संख्या 70, और चल किसके पैर रहे हैं घोड़ों के पैर और आदमियों के पैर, कुल मिला के कितने भाई 70 है। ठीक है, आधे आदमियों के पैर और कुल घोड़ों के पैर मिला के कितने हैं बच्चों 70। तो हमने भी ऐसे करा, एक घोड़े के 4 पैर होते हैं तो x घोड़ों के 4x, एक आदमी आदमियों की संख्या x बटे 2, एक आदमी के 2 पैर, तो x बटे 2 आदमियों के 2 गुणा x बटे 2 बराबर 70, 2 से 2 कट गया, 4x और 1x कितना 5x, 5x बराबर 70, तो x बराबर बच्चों 70/5 यानी कितना आ गया 14, 5 चिकन 5 और 5 चौक 20, तो x बराबर 14, तो घोड़े कितने हैं 14 और आदमी भी कितने हैं 14, तो हमसे तो घोड़ों की संख्या पूछी है, तो आंसर कितना हो गया बच्चों 14, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। समझ में आ गई बात, यानी आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, यहीं पे हमारी आज की क्लास खत्म होती है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे बच्चों। ठीक है, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।